भूखे को अन्न और प्यासे को पानी कोई नहीं कह सकता है, तीर्थराज प्रयाग की कहानी है अपनी। क्योंकि सनातन धर्म जो है वो इतनी गहरी है, समुद्र से भी ज्यादा गहरी सनातन है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। प्रयागराज में अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी के आपको दर्शन कराए हैं, लेकिन कहा जाता है कि बिना भोजन के भगवान के भजन नहीं होते हैं। तो प्रयागराज में अगर भोजन का कोई इंतजाम कर रहा, तो यहाँ पर मैं निकल रहा था तो श्री छोटू महाराज जी का बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है, बहुत VIP खाना है, दाल चावल है, पूरी सब्जी है, छोले, कई सारी चीज़ें हैं, और फिर इनमें पूरा बंटवारा कर रहे हैं। और माघ मेले में जितने भी शरणार्थी आते हैं यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से लाइन लगी है, और सुबह से शाम तक पूरा निःशुल्क भंडारा चल रहा है। तो इनसे बात करते हैं कि क्योंकि पूरे माघ मेले हमने इतना बड़ा भंडारा और इतना VIP भोजन अभी तक नहीं देखा कि जो इस तरह का सभी के लिए पूरा फ्री हलवा से लगाकर छोले पूरी तक है, उन्हीं से बात करते हैं। प्रणाम महाराज जी। भैया महाराज जी, ये जो भंडारा का अपना जो कंसेप्ट है ये कब से चल रहा है भंडारा? ये भंडारा विगत 3 या 4 सालों से पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक संचालित होता है। इसका संचालन करने में बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, पूरा तीर्थ समाज लगा हुआ है। नहीं तो टीम के तो बारे में जान सकते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा भंडारा पूरा माघ मेले के हमने देखा है, मैं कई बार इधर से गुजरा हूँ, हमेशा लाइन लगी रहती है, कितना खर्चा लग जाता होगा? पूरा मतलब फ्री ऑफ कास्ट है, किसी से आप कोई रुपया नहीं लिए, तो बहुत अच्छा खाना, छोले हैं, चटनी है, पूड़ी है, सारी चीज़ें, तो कितना कास्ट लग जाता होगा एक दिन में यहाँ? यहाँ डेली में आप ये मान लीजिए 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्च डेली आता है, लेकिन उसमें हम लोग कम से कम 2500-3000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का काम कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बड़ी खुशी है कि कम से कम जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहा है उसको प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। और हम लोग का ये दायित्व भी है, क्योंकि हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, हम लोग 12 महीने यहाँ दान दक्षिणा लेते हैं, तो हमारा लोगों का दायित्व है कि कोई भी तीर्थयात्री यहाँ आए तो भूखा ना जाए। आपकी बात ये तो, लेकिन यहाँ पर कितने पंडित लोग हैं, कितने अतुर्थ पुरोहित हैं, लेकिन आपके मन में कहाँ से आए कि भंडारा किया जाए, क्योंकि सभी नहीं कर रहे हैं, आप वो भी इतना VIP खाना आप देने, ये मन में कहाँ से आए कि भंडारा शुरू होना चाहिए वो भी फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि माले में मेला में तो सबका रहता है कि अच्छे से अच्छा पैसा कमाया जाए कुछ इस प्रकार, लेकिन आप तो फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, ये कहाँ से मन में आया? देखिए, इस भंडारे की शुरुआत हम लोगों के मन में कई वर्षों से, हम लोग 2-4 लोग ऐसे थे, जैसे हमारे आदित्य महाराज जी हैं, शशांक पाठक जी हैं, गोपाल जी पाठक जी हैं, हम लोग के मन में कई वर्षों से ये विचार आ रहा था कि हम लोग जब वहाँ पे बनारस गए थे तो हम लोगों ने वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का भंडारा देखा था, तो हम लोगों के मन में विचार आया कि अगर बनारस में इस तरीके का भंडारा आयोजन हो सकता है तो क्या प्रयागराज में नहीं हो सकता। तो उसी क्रम में हम लोग धीरे बढ़ते 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 आज इस जगह पर आ गए हैं कि हम लोग जो भंडारे का संचालन कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं भंडारा ये ऐसा कार्य है कि बिना सहयोग के नहीं हो पाता, तो इसमें हमारा तीर्थ पुरोहित समाज पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, और शहर के बहुत सारे व्यापारी वर्ग भी हैं, कुछ राजनेता भी हैं, सब लोग मिलजुल कर एक रोड मैप हम लोग बनाने का कार्य कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए तो हम लोग उनकी सुबह से ले कर रात तक सेवा करें, पूरा आप सेवा करते हैं बहुत अच्छी तरह से, पूरा सिस्टमेटिक अच्छी तरह से बना रखा है कि खाना थोड़ा भी बर्बाद ना हो और बिल्कुल अच्छे से अच्छा सबको मिल सके, थाली का भी पूरा इंतजाम हो रखा है, मतलब जो ये है साफ सफाई, हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन, चाहे बेसिक पूरी हाइजीन का मेंटेन ध्यान रखा जाता है, ये चीज़ें हैं कि फिर ये जो आप, क्योंकि हमें लगता है 1 महीना पूरा भंडारा ये चलता है, ये 1 महीने में करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता होगा, तो कैसे इतना, क्योंकि इतना ट्रस्ट कैसे बना लोग आपको दें, क्योंकि आज तो 10 रुपया किसी को देने वाला नहीं, तो आपके ऊपर कैसे विश्वास बने ये चीज़ें? देखिए, भंडारा अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पे चल रहा है, परंतु हम लोगों की सोच ये थी कि जब हम लोग भंडारे का संचालन करें तो एक ऐसा भंडारा हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि जिसमें कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, हर एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो उसके मन में ये विचार ना आए कि इस भंडारे में हमें भोजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग भंडारे की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का भंडारा ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है, उसके लिए काफ़ी पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना अर्थ के तो कुछ आज के समय में होता नहीं है। तो हम लोगों ने एक छोटे स्तर से इसकी शुरुआत की थी, धीरे धीरे आज आप देख सकते हैं कि डेली 2-4 हज़ार लोग बढ़िया भरपूर प्रसाद पा रहे हैं, और सब जो तीर्थयात्री जिस आस्था के साथ आया है, हम लोगों का विचार ये है कि वो आस्था यहाँ पे बरकरार रहे, तो जब यहाँ पे भोजन प्रसाद पाएगा तो कोई भी तीर्थयात्री यहाँ पे आएगा तो उसके मन में ये विचार आएगा कि अगर हम लोग प्रयागराज चलेंगे तो वहाँ पे रहने खाने की कोई दिक्कत
नहीं है। हमारे जो पुरोहित होंगे, हमारे जो पंडा होंगे, वो उसकी व्यवस्था करेंगे। इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में हम लोग की योजना है कि जो भंडारा अभी एक महीने चल रहा है, इसको 12 महीने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक संचालित किया जाए। हर पहले से लेकर आखिरी व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने का ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। जिस दिन ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का भंडारे का ध्येय पूर्ण है। नहीं, बहुत बड़ा उद्देश्य आपका हो। मैं जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही, जो भी जहाँ किसी माध्यम, चाहे फेसबुक से हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे किसी भी सोशल साइट से देख रहे हो, अगर इतना बड़ा आपका उद्देश्य है कि सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चले और सभी लोग भंडारा खाएं, क्योंकि आज के ज़माने में बहुतों के पास पैसा है, अपने जेब के अलावा किसी दूसरे का नहीं देख सकते, लेकिन प्रयागराज में जहाँ तीर्थराज प्रयाग, यहाँ जहाँ पर पुण्य का एक कह सकते हैं पूरा भंडार है, सेंटर है, यहाँ पर अगर हजारों साल तपस्या करने के बाद भी अगर यहाँ डुबकी ना लगाओ, संगम पुण्य नहीं मिलता, नहीं उस पुण्य में अगर भंडारे का ये कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और जो भी भाई बंधु अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, माघ मेले आते हैं, कई सारी चीज़ें इधर उधर करके चले जाते हैं, उन्हें सीख लेना चाहिए, यहाँ पर आए तो हम, मैं तो ये सोचूंगा कुछ ना कुछ तो योगदान देकर यहाँ पर जाएं। श्रमदान, हाँ, अगर अर्थदान नहीं तो श्रमदान, हो सके तो अर्थदान भी देखा जाए, क्योंकि यह सभी का भंडारा है। कितने लोगों की आपकी टीम है पूरी यहाँ पर? देखिए, हम लोग ही तो लगभग 50 लोगों की टीम है, और हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात, सभी जो भी यूथ हैं, जो भी युवा हैं, अगर हम लोगों को देख रहे हैं या देखेंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और सनातन धर्म जो हमें सिखाता है, सबसे बड़ा जो हम लोग का जो धर्म है वो है मानव सेवा का धर्म। तो ये हम लोग को हमारा धर्म सिखाता है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो भी यूथ देख रहा है, उसको मैं इतना ज़रूर सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम, अगर ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, जो भी समय है, थोड़ा सा समय मानव सेवा के लिए ज़रूर दें, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को जन्म तो सबको भगवान ने दिया है, परंतु जो इंसान है उसको ईश्वर ने दिमाग दिया है। दिमाग इसलिए दिया है कि वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए। तो उसी पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी युवा हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप प्रयागराज अन्य क्षेत्र में आ सकते हैं, हम लोग साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें सेवा के लिए हमको और अधिक ऊर्जा, शक्ति एवं बल मिले। आपकी कोई सोशल साइट से, कुछ आपका कोई एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपसे लोग मिल सकें? अगर आप देखेंगे, फेसबुक पर जाएंगे तो प्रयागराज अन्य क्षेत्र के नाम से, श्री प्रयागराज अन्य क्षेत्र के नाम से हमारा पेज है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पेज में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ें, जिसमें इस सेवा के कार्य को हम लोग और अधिक अच्छी मात्रा में कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या शुभ नाम क्या है? शशांक पाठक। शशांक पाठक जी, आप भी इसी समिति से हैं जी, आप भी पूरा योगदान इसमें दे रहे हैं जी। जी, किस प्रकार आप योगदान देते हैं यहाँ पर? आर्थिक भी, शारीरिक भी, मानसिक भी। सर बहुत अच्छा, ये पूरा भंडारा का। आपका क्या नाम है? सुना, कृष्णा शर्मा। शशांक शर्मा जी, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा शर्मा जी, नाम तो कृष्णा है, काम भी कृष्ण वाले सारे हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर, कृपा है, गंगा माँ की कृपा है। तो ये पूरे आपकी टीम के मेंबर हैं, सारी टीम में आप मिले हैं पूरा चीज। कैसा लग रहा है यहाँ भंडारा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को खिला कर कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम? दीपू मिश्रा। दीपू मिश्रा जी, आपसे ज्यादा प्रश्न तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है, तो उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो इन चीजों से थोड़ा दूर हैं, राजनीति में या अनाप शनाप सनातन के बारे में बोलते हैं, या जो सनातन को नहीं समझ पाते, क्योंकि सबसे उम्र में आप सबसे बड़े हैं, वो सनातन के बारे में अगर एक कार्यक्रम चले तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म जो है वो इतनी गहरी है, समुद्र से भी ज़्यादा गहरी सनातन है, उसके गहराई, उसका थार कभी जीवन में मिलेगा नहीं किसी को। और ये जो धर्म का कार्य है, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, कोई नहीं कह सकता है, तीर्थराज प्रयाग की कहानी ये अपने में अद्भुत है, और गंगा यमुना सरस्वती भूखा न जाए कोई व्यक्ति, ये लक्ष्य है। और पुरोहित हमारा, ये जो समाज है, ये जो इतने भी हमारे लगे हैं भाई लोग, ये पुरोहित हैं। पुरोहित का मतलब जो सदा करे परहित, वही है पुरोहित, जो करे मान सम्मान, वही है जजमान, तो लो उसका दान। क्या बात, तो दान लेना आसान है, उसको हजम करना बड़ा कठिन है। हम हरिद्वार जाते हैं, हम गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, हम बनारस जाते हैं, तो हमारे पुरोहित वहाँ हैं, तीर्थ पुरोहित हमारे हैं, तो हम वहाँ उनको दान दे के आते हैं। अब हम यहाँ के स्वयं तीर्थ पुरोहित हैं, तो हम किसको दान दें? तो प्रयागराज में ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो यहाँ पर भूखा है, दिव्यांग है, विकलांग है, भूखा है, पैसा नहीं है, त्रिवेणी का भक्त है, कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है, धोती नहीं है, आने वाले समय में साड़ी धोती भी उपलब्ध कराया जाएगा,
धीरे धीरे आगे गंगा माई जाने, यहाँ की मालकिन वही है, वो कराती है। और हम लोग चाहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग नंबर वन यहाँ का मेला है, तो यहाँ की विधि व्यवस्था भी नंबर वन हो। यहाँ के लोग भी जो स्थानीय निवासी हैं, कि लोग जब यहाँ आते हैं कहते हैं कुंभ मेला नंबर वन, माघ मेला नंबर वन, तो यहाँ के निवासी भी नंबर वन कहलाएं अपने आचरण से। एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है, और आगे हमारे सनातन धर्म की सरकार भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और सौभाग्य से मैं उनकी पूजा भी कई बार कराया हूँ, तो उन लोगों को भी सुनता हूँ, देखता हूँ, हमारी टीम देखती है, प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से ताकत मिलता है, जोश मिलता है। और जिस दिन सहयोग भी मिलने लगेगा तो फिर वो चीज़ यहाँ सफल हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ भूखा नहीं जाएगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर छोले हैं और इधर ये थोड़ा एक मिनट दिखाएंगे अभी, ये इधर सब तो ये पूरा भंडारा, उधर पूरी महफिल आप दिखा दें, पूड़ियाँ ही आ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वो कैसी रही हमारी वार्ता। अगर आप लोग किसी प्रकार का कोई सेवा देना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से और इनका जो फेसबुक पेज उन्होंने बताया है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश अपनी वार्ता से।